हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो कंप्यूटर संगणक के लिए 400 वैकेंसीज निकली है उसके पुराने पेपर यानी प्रीवियस पेपर जो 2013 में होता उसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी एक साथ देने वाला हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, कितने क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन का हर प्रश्न का क्या उत्तर था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक हो जाएगा, 24 कैरेट शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? प्राइमरी गोल्ड, पेपर गोल्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड या गोल्ड बॉन्ड? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राइमरी गोल्ड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रथम, फर्स्ट। राजस्थान के दो जिले जिसमें कोई नदी नहीं बहती है वो कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर एवं चुरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़? इसका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के 13वें वित्त आयोग में राजस्थान राज्य का कुल केंद्रीय हस्तांतरण में अंश कितना रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 5.73। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काली सिंध विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बारा, झालावाड़ या प्रतापगढ़? इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान में जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गागरौन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भिवाड़ी, कोटा, रामगढ़ या धौलपुर? इसका उत्तर हो जाएगा रामगढ़। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में पन्ना ज्यादातर किस जिले में मिलता है? अजमेर, प्रतापगढ़, राजसमंद या उदयपुर? इसका उत्तर हो जाएगा राजसमंद। दसवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क राजस्थान में कहाँ स्थित है? जालौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या फिर जैसलमेर में? इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम क्या है? माही, लूनी, बनास या फिर चंबल? इसका उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। 12वां प्रश्न हो जाएगा, सांख्यिकी अनुसंधान की प्रमुख प्रगति होती है आय की गणना, अनुपात विश्लेषण, पूर्व परीक्षण या फिर निर्देशन? इसका उत्तर हो जाएगा निर्देशन। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक परीक्षा में निम्न प्राप्त अंकों का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन हो जाएंगे 52 अंक, 42 अंक, 25 अंक या फिर 62 अंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 52 अंक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित अंकों से समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको अंक दे रखे हैं और विद्यार्थी दे रखे हैं, इसका समानांतर माध्य ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे 4.62 अंक, 3.67 अंक, 3.76 अंक या फिर 3.92 अंक। इसका उत्तर हो जाएगा 3.76 अंक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी फेल थे और उनके औसत अंक 2.5 थे। कक्षा के समस्त विद्यार्थियों के प्राप्त कुल अंक 281 थे, तो बताओ पास होने वाले विद्यार्थियों के औसत अंक क्या होंगे? ऑप्शन हो जाएंगे 6.4, 5.6, 6.5 या फिर 4.6। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6.4। दोस्तों, मैं आज आपको पूरी कोशिश करूंगा कि हर प्रश्न का उत्तर दे सकूं। अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो या उसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों से माध्य का अंक ज्ञात कीजिए। ये आपको नंबर दे रखे हैं, इसमें से आपको माध्य का अंक ज्ञात करना है।
आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 72.5, 75, 65.5 या फिर 78। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 72.5। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित समकों से बहुलक ज्ञात कीजिए। अंक दे रखे हैं, विद्यार्थी दे रखे हैं, इसका बहुलक ज्ञात करना है। आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 49 अंक, 51 अंक, 52 अंक या फिर 50 अंक, और इसका उत्तर हो जाएगा 50 अंक। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, काल श्रेणी पर आधारित रेखाचित्र क्या कहलाता है? दंड चित्र, नियंत्रण चार्ट, कालिक चित्र या फिर काई चार्ट? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिक चित्र यानी आयत चित्र। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल दिया जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह पत्ता बेगम का होगा? आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 1/12, 1/52, 1/13 या फिर 1/4। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1/13। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यादृच्छिक रूप से चयनित एक अधिवर्ष यानी लीप ईयर में इस बात की क्या संभावना है कि उसमें 53 रविवार होंगे? 4/7, 2/7, 1/7 या फिर 3/7? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/7। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक पासा जिसकी 6 पलकों पर 1 से 6 अंक डाले गए हैं, यदि एक बार फेंका जाए तो 2 का अंक आने की क्या प्रायिकता है? इसके ऑप्शंस हो जाएंगे 1/6, 4/6, 6/6 या फिर 2/6? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में मलाला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या फिर 20 नवंबर को? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 नवंबर को। अगला हो जाएगा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन नियुक्त किए गए? दोस्तों ये हम बात करें 2013 के पेपर की। विजय केलकर, रघुराम राजन, प्रतीक चौधरी या फिर रंजन घोष? इसका उत्तर हो जाएगा रघुराम राजन। 2013 में रघुराम राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी जो वायुसेना का विमान उड़ाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी? अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या फिर ज्वाला गुट्टा? इसका उत्तर हो जाएगा सानिया नेहवाल। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी जो डिस्क थ्रो से संबंधित है कौन है? अरुणिमा सिन्हा, कृष्णा पुनिया, प्रजक्ता सावंत या फिर गिरिशा होसनागरा? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा पुनिया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी समांथा स्टोसर किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर टेनिस? इसका उत्तर हो जाएगा टेनिस। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज या फुटबॉल? इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न हो जाएगा, CRISIL का पूरा नाम क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, कार्ड रीडर इंडियन सर्विसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कार्ड रीडर इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया या फिर क्रेडिट रेटिंग इंडियन सर्विसेज ऑफ इंफॉर्मेशन? इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, SEBI का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेटलमेंट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सेटलमेंट एंड एक्सपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया? इसका उत्तर हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में हाल ही में प्रस्तावित
एवं बनने वाले 29वें राज्य का नाम बताइए। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर संगणक के जो 2013 में पेपर हुआ था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गोरखालैंड, बोडोलैंड, तेलंगाना या फिर विदर्भ? इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, तो हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। चलिए अगले एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में 3 नए राज्य झारखंड, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ क्रमशः किन राज्यों का जब विभाजन करके बनाए गए हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश या फिर बिहार उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, ममनून हुसैन या फिर मुर्तजा भुट्टो? इसका उत्तर हो जाएगा ममनून हुसैन। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, NSEL का पूर्ण विस्तारित नाम क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल सर्विस एक्सचेंज लाइसेंस, नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लाइसेंस या फिर नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड? इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा, एकल परमिट योजना के अंतर्गत मोबाइल फोन कंपनियों को किस प्रकार की टेली कम्युनिकेशन सेवा देने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस सिस्टम वर्तमान में लागू कौन सी सेवा का स्थान लेगी? यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस, यूनिफाइड सर्विस एवन लाइसेंस, यूनिफाइड सिंगल सर्विस लाइसेंस या फिर यूनिफाइड ऑल सर्विस लाइसेंस? इसका उत्तर हो जाएगा यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1205 में स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, राजा राम मोहन राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या स्वामी विवेकानंद ने? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम किस प्रदेश में लागू हुआ? राजस्थान में, पंजाब, बिहार या फिर मध्य प्रदेश में? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना कब से लागू हुई? 1 अप्रैल 2012 से, 13 अप्रैल 2013 से, 1 अप्रैल 2013 से या फिर 11 अप्रैल 2013 से? इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2013 से। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में संचार तंत्र को आधुनिक बनाने की योजना RSWA1 का पूरा नाम क्या है? राजस्थान स्टेट व्हीकल एरिया नेटवर्क, राजस्थान स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क या फिर राजस्थान स्टेट वर्क एरिया नेटवर्क? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार लाने हेतु 12 दिसंबर 2011 से कौन सी योजना प्रारंभ की गई? राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री BPL योजना या फिर राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। दोस्तों मैं आपको हर प्रश्न के उत्तर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर प्रश्न को सही से समझाने की, सही से उत्तर देने की। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने तीसरी टाइगर रिजर्व की योजना की जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व अभयारण्य। इस रिजर्व अभयारण्य में कौन से 4 जिले शामिल किए गए? कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या झालावाड़? कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ या फिर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़? इसका उत्तर हो जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब कहाँ स्थापित किया गया? रेलमगरा में, हल्दीना में, मानगढ़ में या फिर रोहिल में? इसका उत्तर हो जाएगा रेलमगरा। अगला हो जाएगा, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध स्थान जिसने अंग्रेजी सेना की गोलीबारी से 1500 भील आदिवासी शहीद हुए थे कौन सा है?
घेलोत, मांगरोल, मानगढ़ धाम या फिर गिलोट? इसका उत्तर हो जाएगा मानगढ़ धाम। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में राइट टू रिकॉल का प्रयोग करने वाली पहली नगर पालिका कहाँ है? रावतबाटा में, जालरपाटन में, मांगरोल में या फिर रामगंज मंडी में? इसका उत्तर हो जाएगा मांगरोल में। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? 2013 की बात कर रहे हैं दोस्तों, दिल्मा राउसेफ, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन या फिर जेकब जुमा? दिल्मा राउसेफ। चकंदाबाग किस राज्य एवं जिले में स्थित है? जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में, जम्मू कश्मीर के साबा जिले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में या फिर जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले में? इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक 3 Mistakes of My Life के लेखक कौन है? इसके बारे में दोस्तों आप सभी ने सुन रखा होगा, खुशवंत सिंह, चेतन भगत, परवेज मुशर्रफ या फिर सलमान रश्दी? इसका उत्तर हो जाएगा चेतन भगत। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 1540 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, आलम खान ने, मुबारक शाह ने या फिर इब्राहिम शाह ने? इब्राहिम शाह ने। इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/5 सेकंड तक, 1 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक या फिर 2 सेकंड तक? इसका उत्तर हो जाएगा 1/10 सेकंड तक। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक कौन सा है? इलेक्ट्रिक पावर, कंट्रोलर, आयरन ऑक्साइड या फिर चेन रिएक्शन? इसका उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। 1 GB किसके बराबर होता है? 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 MB के, 1024 byte के, byte 2K के या फिर 1024 KB के? इसका उत्तर हो जाएगा 1024 MB के। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें इससे भी और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आप तक सही जानकारी, अच्छी जानकारी पहुँचाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं अल्कोहल का, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का या फिर सल्फर एवं बायोगैस का? इसका उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इन सारे नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 157.3484, 162.3484, 142.3484 या फिर 152.4384? इसका उत्तर हो जाएगा 157.3484। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, 3.715 × 1.2 का गुणनफल क्या होगा? 3.0512, 4.0512, 4.0512 या फिर 3.5012? इसका उत्तर हो जाएगा 4.0512। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 6.57 में 0.09 का अगर भाग देते हैं तो क्या उत्तर आता है? 37, 70, 73 या फिर 47? इसका उत्तर हो जाएगा 73। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये नंबर है, इसको घटते हुए क्रम में जमाना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा ये, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यह, तीसरा हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, इन सारे नंबर को अगर सोल्व करते हैं तो क्या उत्तर आता है? 2.5, 0.25, 2500 या फिर 250? इसका उत्तर हो जाएगा 2.5। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा है? 5/6, 11/12, 2/5 या फिर 7/8? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11/12। अगला प्रश्न हो जाएगा,
यदि किसी संख्या के 40% का 16% 8 आता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 25, 125, 500 या फिर 250। तो इसका उत्तर हो जाएगा 125। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चन का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उनके अंतर का वर्गमूल क्या होगा? 6, 5, 44 या फिर 12? इसका उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद उसे 50% बढ़ा दिया जाता है, तो हानि कितनी होगी? 25%, 50%, 100% या 20%? इसका उत्तर हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न हो जाएगा, 2 वर्ष पहले एक शहर की आबादी 8,000 थी, यह प्रथम वर्ष में 10% बढ़ी एवं दूसरे साल में यानी द्वितीय वर्ष में 20% बढ़ी, तो बताओ शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? 10,400, 10,840, 10,560 या फिर 10,620? इसका उत्तर हो जाएगा 10,560। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक स्कूल में 36% छात्रा है, यदि स्कूल में 1,000 छात्र है तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2,650, 650, 1,560 या फिर 1,650? इसका उत्तर हो जाएगा 1,650। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक व्यक्ति उसकी मासिक आय में से 20% बचत करता है, महंगाई भत्ते में 20% वृद्धि होने के कारण वह ₹760 प्रति माह की बचत कर सकता है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हो जाएंगे 19,000, 22,000, 18,000 या फिर 16,000। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19,000। अगला प्रश्न हो जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शंस हो जाएंगे 23.45, 23.15, 24.15 या फिर 28.25? इसका उत्तर हो जाएगा 23.15। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर नंबर को अगर सोल्व करते हैं, मीन्स √5 × √500, इसका उत्तर क्या होगा? 46.95, 50, 50.25 या फिर 43.75? इसका उत्तर हो जाएगा 50। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? 18,225, 53,361, 63,595 या फिर 17,956? इसका उत्तर हो जाएगा 63,595। अगला प्रश्न हो जाएगा, 420 को ए, बी एवं सी में 1/3 अनुपात 5/6 अनुपात 7/9 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 72:180:168, 15:12:16, 40:45:32 या फिर 14:12:13? इसका उत्तर हो जाएगा ए, 72:180:168। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि ए अनुपात बी 3:2 है और बी अनुपात सी 3:4 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा? 4:5, 9:8, 5:4 या फिर 3:5? आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9:8। अगला प्रश्न हो जाएगा, दो संख्या 4:5 में है और उनका एलसीएम 180 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 36, 9, 45 या फिर 15? तो इसका उत्तर हो जाएगा 36। अगला प्रश्न हो जाएगा, दो संख्या है जिसमें पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या का 60% है, तो बताओ दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन हो जाएंगे 5:4, 4:7, 2:3 या फिर 3:4? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5:4। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 299 को 1/2 / 2/3 / 3:4 में विभाजित कीजिए। ऑप्शन हो जाएंगे ए यह, बी और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा
तो इसका उत्तर हो जाएगा 78.104.117। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, 7:15, 17:25, 15:23 या फिर 7:13। इसका उत्तर हो जाएगा 7:15। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 2, 3 और 4 है तो बताओ ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए क्या होगा। 8:9:16, 4:9:16, 8:9:24 या फिर 8:9:12। इसका उत्तर हो जाएगा 8:9:24। अगला प्रश्न हो जाएगा, 5 से गुणा वाली प्रथम 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, 22.5, 25.2, 23.5 या फिर 12.5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22.5। 75वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 12.25, 25, 25.5 या फिर 21.25। इसका उत्तर हो जाएगा 25.5। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा, ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे, सारी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड पुराने एग्ज़ाम के पेपर्स सॉल्यूशंस और अदर स्टडी मटेरियल्स भी हम आपको प्रोवाइड रेगुलर कराते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 50, 25.5, 100 या फिर 51। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25.5। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि 16 व्यक्तियों की कुल वार्षिक आय 80,800 है और उसमें से एक व्यक्ति की आय औसत आय की 120% है, तब उसकी आय क्या होगी, 6,060, 6,600, 6,100 या फिर 5,050। इसका उत्तर हो जाएगा 6,060। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है और शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी, ऑप्शन ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 8 व्यक्ति का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि उसमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 65 किलोग्राम है उसे एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस कर दिया जाता है, तो बताओ नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, 70 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 77 किलोग्राम या फिर 76 किलोग्राम। इसका उत्तर हो जाएगा 77 किलोग्राम। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 1600 का 6% वार्षिक ब्याज दर पर 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ऑप्शन ए 38.40, 38.30, 33.80 या फिर 34.80। तो इसका उत्तर हो जाएगा 38.40। अगला प्रश्न हो जाएगा, 3 वर्ष में 9% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज लगाने पर एक धनराशि 2921 बन जाती है, तो बताओ वो धनराशि क्या होगी, 2300, 2300, 3000 या फिर 1300। इसका उत्तर हो जाएगा 2300। अगला प्रश्न हो जाएगा, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में एक धनराशि दुगनी हो जाएगी, 4%, 5.5%, 6% या फिर 5%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5%। राजस्थान कंप्यूटर संघ 2013 का जो मैं प्रीवियस पेपर बताने जा रहा हूँ उसका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह धनराशि 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन ए 35 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 10 वर्ष में। इसका उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह धनराशि जिस पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया ब्याज दिया जाता है वो क्या होगी, 3650, 7730 या फिर 36500। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7300 रुपये। अगला प्रश्न हो जाएगा,
18,750 पर 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 2 वर्ष 5 माह की चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 3850, 2849, 4290 या फिर 4850। इसका उत्तर हो जाएगा 3849। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 25,000 पर 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्धवर्ष से चक्रवृद्धि कीजिए। 9030, 3090, 4000 या फिर 3900। इसका उत्तर हो जाएगा 3090। अगला प्रश्न हो जाएगा, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 800 की राशि 926 पर 10 हो जाएगी। इसमें भी अर्धवर्ष से चक्रवृद्धि करना है। 1 सही 1/3 वर्ष, 2 सही 1/3 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष या फिर 1 सही 1/2 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 1 सही 1/2 यानी 1.5 वर्ष में। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर संगणक के पेपर का, 2800 का 2 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर पर वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। 3500, 2500, 1800 या फिर 1500। इसका उत्तर हो जाएगा 2500। अगला प्रश्न हो जाएगा, 2205 पर 10 माह में वास्तविक बट्टा 105 देय होता है, प्रतिवर्ष की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। 6% प्रतिवर्ष, 4%, 3% या फिर 5%। इसका उत्तर हो जाएगा 6%। 90वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए बैंकों को अपने अनएडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट का 40% ऋण देना अनिवार्य किया है। ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंकों को, मकान निर्माण कर्ज, सरकारी क्षेत्र कर्ज या फिर प्राथमिक क्षेत्र कर्ज। इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र कर्ज। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऐसी सही पद्धति जिसमें सिंचाई के माध्यम से पौधों में पोषक तत्व दिए जाते हैं जिसके उर्वरकों के उपभोग की बचत होती है, फर्टिगेशन, स्पगनम, एनाबिना या फिर माइकोलॉजी। इसका उत्तर हो जाएगा फर्टिगेशन। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, CRISIL और ICRA क्या होता है? राष्ट्रीयकृत बैंक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या फिर विदेशी बैंक। ये हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी देश की मुद्रा का अन्य देश की तुलना में मुद्रा में विनिमय दर को कम करना क्या कहलाता है? मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन, हिनाथ प्रबंधन या फिर अवमूल्यन। इसका उत्तर हो जाएगा अवमूल्यन। अगला प्रश्न हो जाएगा, NPR का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय कोष विनिमय, राष्ट्रीय उत्पादन रजिस्टर या फिर राष्ट्रीय अभिलेख। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक वित्तीय प्रणाली जिसमें प्रचलित बैंकिंग प्रणाली और बैंकिंग सेवा का लाभ उस वंचित वर्ग तक पहुंचाया जाता है जिसमें अल्प आय वाला कमजोर वर्ग व वंचित वर्ग शामिल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन, विनिवेश या आर्थिक नियोजन। इसका उत्तर हो जाएगा वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक वित्तीय प्रणाली जिसमें किसी देश की सरकार की आय कम और खर्चा ज्यादा होता है उस अंतर को दूर करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, विनिवेश, घाटे की वित्त व्यवस्था या फिर वित्तीय समावेशन। इसका उत्तर हो जाएगा घाटे की वित्त व्यवस्था। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वह दर कहलाती है? रेपो दर, रिजर्व रेपो दर, बचत बैंक दर या फिर बैंक दर। इसका उत्तर हो जाएगा रेपो दर। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है वह दर कहलाती है? बैंक दर, रिवर्स रेपो दर या फिर बचत बैंक दर। इसका उत्तर भी हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। अगला प्रश्न हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र में सरकारी आर्थिक हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? हिनाद प्रबंधन, उधार लेना, उधार देना या विनिवेश। इसका उत्तर हो जाएगा विनिवेश। और दोस्तों, राजस्थान कंप्यूटर संगणक के प्रीवियस पेपर 2013 का अंतिम प्रश्न हो जाएगा,
यदि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अवमूल्य, विमुद्रीकरण, मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा संकुचन? अंतिम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति। तो दोस्तों, आज मैंने पूरी कोशिश की आपके सामने राजस्थान कंप्यूटर संगणक 2013 के पेपर को सोल्व करने की, उसके उत्तर बताने की। तो यदि आपको कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।